नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9 Lite 5G वर्सेस Realme C65 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 Lite में 6.44 इंच जबकि C65 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9 Lite में 2.98 इंच जबकि C65 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z9 Lite में 0.33 इंच जबकि C65 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 Lite में 185 ग्राम जबकि C65 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9 Lite से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9 Lite में LCD जबकि C65 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Z9 Lite में 20:9 जबकि C65 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 Lite में 6.56 इंचेस जबकि C65 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9 Lite में 720x1612px HD+ और C65 5G में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 Lite में 84.01% जबकि C65 5G में 85.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 Lite में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Lite में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C65 5G की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Lite में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C65 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C65 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9 Lite में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि C65 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9 Lite में अप टू 1TB जबकि C65 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9 Lite में 2 कलर्स जबकि C65 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीज,
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें C65 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO Z9 Lite 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Realme C65 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में C65 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।